हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1103 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से संता क्लॉस का चित्र बनाना सिखाएंगे। बहुत ही स्पेशल ड्राइंग होने वाला है प्यारे बच्चों क्रिसमस डे पे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले तो आप ऐसे 1 लिख दीजिएगा और हो सके तो आप मेरे साथ ही बनाते रहिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद 1 जस्ट इसी के नीचे ऐसे लिखना होगा। अगर आपने तक मार्कर पेपर नहीं उठाया, पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए प्यारे बच्चों और मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ 1-1 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 लिखने के बाद अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आप ऐसे 3 लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है संता क्लॉस की स्पेलिंग आती है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें जो है संता क्लॉस की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर देखिएगा, यहाँ से बहुत ही आराम से इस 1 को हमें ऐसे आगे की तरफ यहाँ तक ऐसे बढ़ा देना होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करिएगा प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज करिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे हल्का सा जो है हाफ सर्किल का शेप देते हुए ले जाइएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएँ तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। यहां तक हो जाने के बाद अब हम आ जाते हैं 0 पे। देखिएगा, यहां से आपको करना क्या है, हल्का सा इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए यहां से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस हम यहां पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। ये देखिए, जैसे हमारा लीव्स बनता है प्यारे बच्चों, उसी तरह हम यहां पे ऐसे एक यहां पे बना देंगे, एक आपको यहां पे ऐसे बना देना होगा। यहां तक हो जाने के बाद अब नीचे की तरफ यहां पे बहुत ही आराम से जो है आप ऐसे एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब आप आ जाते हैं हम ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। इसको हमें स्केल की हेल्प से बहुत ही आराम से यहाँ पे ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है देखिएगा, यहाँ पे जो है एक आप ऐसे 0 लिख दीजिएगा। ये सर्किल बनाना तो सभी प्यारे बच्चों का आता ही होगा। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। इसको मार्कर की हेल्प से हम ब्लैक कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद इसको नीचे की तरफ हम ऐसे मिला देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको ऐसे रिपीट कर देना होगा। फिर इसके बाद अब हम ऊपर की तरफ करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें जो है संता क्लॉस का जो है कैप बना देना होगा। ऐसे बाहर ऊपर की तरफ हाफ सर्किल का शेप देते हुए यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा। इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे आप ऐसे हल्का से यहाँ पे आपको पतला कर देना होगा। फिर इसके बाद एक ऐसे सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद अब देखिएगा इस 3 का हमें क्या यूज करना है। ऐसे हमें ऊपर की तरफ जो है हाफ सर्किल का शेप देते हुए यहाँ पे संता क्लॉस की दाढ़ी बन जाएगी प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा। अब इसके बाद इसको आपको ऐसे डबल कर देना होगा। डबल करने के बाद यहाँ पे आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ले जाइए। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद हम यहाँ पे जो है संता क्लॉस का हैंड बना देंगे। तो यह हमारा जो है बहुत ही आसान तरीके से संता क्लॉस का चित्र बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम जो है संता क्लॉस को कलर करना भी सीख लेते हैं।